आज का ये वीडियो एक ह्यूमन स्पीशी के बारे में है जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। अगर आपने इवोल्यूशन पढ़ा है तो आप ये ज़रूर जानते होंगे कि एक ज़माने में ह्यूमंस के मुख्तलिफ स्पीशीज़ हुआ करते थे। कुछ साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक हमारा स्पीशी यानी ह्यूमो सेपियंस कुछ 3 लाख साल पहले इस ज़मीन पर अपीयर हुई थी, और हमसे पहले जो एक स्पीशीज़ थी ह्यूमन की वो कुछ 40,000 साल पहले इस ज़मीन से डिसअपीयर हुई थी। उस स्पीशी का नाम होमो नियंडरटेल्स था, और इवोल्यूशनिस्ट ये मानते हैं कि होमो नियंडरटेल्स के बाद होमो सेपियंस आए थे। वो ये भी कहते हैं कि ये दोनों स्पीशीज़ कुछ अरसे के लिए इस ज़मीन पर रह चुके थे और इन दोनों स्पीशीज़ के दरमियान कोई दूसरा ट्रांजिशन फॉर्म नहीं था, लेकिन ये बात अब गलत साबित हो चुका है क्योंकि रिसेंटली ह्यूमन की एक नई स्पीशी डिस्कवर हुई है। उसका नाम पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने होमो लांगी या ड्रैगन मैन रखा है। तो ये बात करते हैं ड्रैगन मैन या ह्यूमन की जो नई स्पीशी डिस्कवर हुई है उसके बारे में। हुआ कुछ यूँ कि 1930s में चाइना के ब्लैक ड्रैगन रिवर में एक क्रेनियम पाया गया, और उस क्रेनियम को उस वक्त महफूज कर लिया गया एक गड़े में, क्योंकि उनको लगता था कि ये क्रेनियम कोई यूनिक स्पीशी का है, और चूँकि उस वक्त चाइना और जापान का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो उन्होंने इसको प्रोटेक्ट कर लिया। 2013 में 85 साल बाद उस क्रेनियम को निकाला गया, और चाइना के एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिसका नाम जी क्यांज है उनको वो क्रेनियम हवाला कर दिया गया, और वहाँ से उस क्रेनियम पर रिसर्च स्टार्ट हुआ। और कुछ स्टडीज़ के बाद ये बताया गया कि ये क्रेनियम कोई 50 साल के मर्द का है जो किसी और स्पीशी का है, और चूँकि ये क्रेनियम ब्लैक ड्रैगन रिवर में पाया गया था तो इस स्पीशी को नाम दिया गया ड्रैगन मैन या होमो लांगी का। पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के मुताबिक ये क्रेनियम एनाटॉमिकली ह्यूमन क्रेनियम जैसा है, मतलब ह्यूमन क्रेनियम, और इस क्रेनियम में बहुत से सिमिलैरिटीज पाई जाती है। तो उनके मुताबिक ये स्पीशी होमो सेपियंस और होमो नियंडरटेल्स के दरमियान एक ट्रांजिशन फॉर्म है, यानी पहले नियंडरटेल्स आए थे, इसके बाद होमो लांगी यानी जो ड्रैगन मैन अभी डिस्कवर हुआ है वो आए थे, और उसके बाद होमो सेपियंस यानी हम आए थे। क्रिस ट्रिंगर जो कि एक पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है उनके मुताबिक होमो लांगी या ड्रैगन मैन होमो सेपियंस से ज़्यादा क्लोजली लिंक है, क्योंकि ये दोनों एक रीसेंट कॉमन एंसेस्टर शो कर रहे हैं, और उनके मुताबिक ये भी हो सकता है कि ये स्पीशी हमारी सिस्टर स्पीशी हो। इस स्पीशी पर एक जर्नल द इनोवेशन में 3 पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं और इस पर मज़ीद तहकीकात जारी है, लेकिन ये कुछ मालूमात थी इस न्यू डिस्कवर ह्यूमन स्पीशीज़ के बारे में जो मैंने आपसे शेयर की। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों और रिलेटिव्स वगैरह के साथ शेयर करें। अब मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।